हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत ही मस्त होंगे, है ना। तो वीडियो की शुरुआत ये फूलों के साथ तो होती ही है। जब हम नर्सरी से फूलों वाले पौधे लाते हैं ना, तो हमें करना क्या पड़ता है, गार्डन में कुछ दिन के लिए रखना चाहिए। जैसे कि मैं रखी, और वो कौन सा पौधा है उसकी रिपोर्टिंग करेंगे, तो इसी वीडियो में जानेंगे। वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा लास्ट तक। आप सभी को पता चल जाएगा मैंने मिट्टी कैसे बनाया है, कितना साइज़ का पॉट लिया है, कितने घंटे की धूप में रखना है, और अभी वो कौन सा फूलों वाले पौधे हैं जो विंटर में अभी भर भर कर हमें फूल देंगी और खुशबुओं से हमारे गार्डन महकते रहेंगे। तो वो प्लांट है, कुंदे का प्लांट है, वो मैं 60 रुपये में लेकर आई। और लेकर आई तो घर में हमें 4 से 5 दिन के लिए हमें अपने गार्डन में रखना है, क्योंकि वो इतने सारे पौधों के साथ रहते हैं और हम अपने गार्डन में लेकर आते हैं तो हमारे पास जो पौधे होते हैं वो पौधा से अनजान पौधे होते हैं, तो इनको जो है थोड़ी दोस्ती यारी करने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, तो वो उसे हमें टाइम देना चाहिए। अगर हम ला कर तुरंत उसको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर देंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा ही शौक में चला जाएगा, तो वो हमारे हाथ से भी चला जाएगा। तो ये गलती आप ना करें। आपको अगर आपके घर पे रखना है तो 2 से 4 दिन, 4 से 5 दिन के लिए आप अपने घर पे इस तरीके से ही नॉर्मली उसको रखें, उसके बाद बड़े पॉट में शिफ्ट करें। तो उसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पे मिट्टी जो लिया है, एक हिस्सा मिट्टी एक हिस्सा बालू, यानी मान लो आप मिट्टी ले रहे हो 50%, तो आपको 30% यहाँ पे बालू ले लेना है, और गोबर की खाद या फिर वर्मी कम्पोस्ट आपको नर्सरी में मिलेंगे। गोबर की खाद जहाँ से आप दूध लेकर आते हो खटाल से, वहाँ से गोबर की खाद मिल जाएगी। नर्सरी में भी गोबर की खाद मिल जाती है, पर हमारे यहाँ पे खटाल से ही आती है। तो देखिए, मैंने पॉट लिया है, ये 8 इंच का है, और इसमें ड्रेनेज होल देख सकते हो कितने अच्छे, यानी मस्त है, यानी मैंने इसे हर जगह छेद कर दिया है रड गरम करके। इसमें मेरे पहले से मिट्टी रखी हुई थी तो मैंने इसे निकाल लिया। मिट्टी देखिए हमें लाइट बनाना इसलिए है क्योंकि हमारे जड़ बहुत अच्छे तरीके से फैलेंगे और अच्छी ग्रोथ होंगे और हमें फूल भी मिलेंगे। तो देखिए, नीचे हमें कंकड़ पत्थर रखना ज़रूरी है, नहीं रखोगे ना तो हमारा जो मिट्टी जब हम डालेंगे ना, तो इसके जो ड्रेनेज होल है ना वो बंद हो जाएंगे, तो फिर हम पानी डालेंगे तो वो नहीं बहेगा पानी नीचे, और हमारा प्लांट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो हम पानी तो देते हैं, पर ऐसा ना हो कि पानी वो जम कर ही पॉट में रह जाए, ऐसे करने से तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग छेद करते हैं, और छेद के ऊपर में हमें कंकड़ पत्थर कुछ भी डालना पड़ता है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे आधा गमला मिट्टी को फिल कर दिया, आपको भी इस तरीके से फिल करना है। देखिए, ये मैं 60 रुपये में ख़रीद कर लाई थी, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये प्लांट मेरे पास पहले थे तो वो ख़राब हो गए, और ये मुझे बहुत दिनों से तलाश थी, तो अभी इस वक्त जब मैं विंटर गार्डन के लिए शॉपिंग करने गई विंटर के लिए, तो ये यहाँ पर मुझे मिल गया, तो मैं लेकर आ गई 60 रुपये में। ये कहीं कहीं पर 80 रुपये में भी मिलते हैं, तो आपको मिलते तो आप ज़रूर लेकर आइए। इसमें ठंड में बहुत सुंदर तरीके से फूल खिलते हैं। अब देखिए, ये ग्रो बैग जो है आप फाड़ कर निकाल लीजिए, मैं थोड़ी ज़्यादा कंजूस हूँ इसलिए मैं नहीं फाड़ कर निकाल रही हूँ, क्योंकि हम जब कटिंग वगैरह लगाते हैं ना तो इसमें रिपोर्टिंग करने के लिए बहुत अच्छा होता है और अच्छे तरीके से चलते भी हैं। तो इसे देखिए मैं अच्छे तरीके से ओपन कर ले रही हूँ, और हमें प्लास्टिक को फाड़ कर भी आप निकाल सकते हो, पर यहाँ पर देखिए निकल गए। इनके जड़ देखिए कितने अच्छे तरीके से बने हुए हैं, और इनकी जो मिट्टी है ना बहुत सॉफ्ट है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ चेक कर रही थी रड से, आपने ब्लैक कलर के छोटे छोटे बास्केट देखे होंगे नर्सरी वाले जो होते हैं, वो उसमें भी कटिंग लगाते हैं ना, तो ये जब प्लांट बड़ा होता है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं यहाँ पर चेक कर रही थी कहीं वो बास्केट लगा हुआ तो नहीं है। अगर लगा रहता तो हमें थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पूरी मिट्टी को निकाल कर जड़ को पूरा, वो जो होता है ना ब्लैक वाले जो नेट होते, छोटा वाला पॉट होते, उसे हमें कट करके रिपोर्टिंग करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, इसलिए वो चेक कर रही थी, तो यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर देखिए, हमें जब रिपोर्टिंग करना पड़ता है ना तो जड़ को थोड़ी सी ओपन करना होता है, खोलना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत दिनों से ये टाइट थे, एक जगह पर ही ये बंध गए थे, एक दूसरे में उलझ गए थे, तो हमें इसलिए हल्के हल्के ना खोल देना चाहिए, क्योंकि हमारी मिट्टी में जब ये जाएंगे तो अच्छे तरीके से चारों तरफ फैलेंगे। इस तरीके से आप रिपोर्टिंग करोगे ना तो आपके पौधे में बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे, ग्रोथ अच्छे नज़र आएंगे और अच्छे तरीके से फैलेंगे भी। और देखिए, मैं यहाँ पर चारों तरफ जो है खोल दी। आप ये काम करिए, कब 3-4 बजे के आसपास करें रिपोर्टिंग का काम। आप जब रिपोर्टिंग करते हो तो आपको देखिए 2 दिनों के लिए ना छाया में रखिए, तब जाकर अच्छा होता है, छाया में रखेंगे, उसके बाद आपको धूप में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमने इसको अभी जड़ इसकी छेड़छाड़ किए हैं,
इसमें मिट्टी डाला है तो ये थोड़ी शॉक में चला जाए ना, इसलिए हमें छाया में रखना पड़ता है। और 2 दिनों तक छाया में रखने के बाद आपको दिन भर की धूप में शिफ्ट करना है, तब जाकर इसमें बहुत अच्छे तरीके से फूल खिलेंगे। और देखिए मिट्टी हमें चारों तरफ जो है भर देना है इस तरीके से, जैसे कि आप वीडियो पे देख रहे हो। हमें हल्के हल्के हाथों से इसे देखिए दबा भी देना है, जैसे कि एयर बबल ना रहे, वो निकल जाए, हवा अंदर ना रहे। जब भी हम गुड़ाई करते हैं इसकी मिट्टी का, तो ऊपर ऊपर हम लोग को एक रड की मदद से या लकड़ी की मदद से हमें गुड़ाई करना पड़ता है। पर अभी नहीं, जब हम इसमें पानी देते रहेंगे तो ये मिट्टी जो है थोड़ी सी बैठ जाती है ना, काई काई सी लग जाती है। तो 10-15 दिन में हम सभी को हर एक पौधे में गुड़ाई करना पड़ता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है मिट्टी डाल दिया है, अब जो है इनमें बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ भी होंगे। पौधे लगाने के बाद आपको पानी देना है, हमेशा नमी बना कर रखें अपने पौधे को। ऐसा नहीं कि पानी एक दिन दिया दूसरा दिन भूल गए, ऐसा नहीं करना है। पानी आपको हमेशा टाइम टू टाइम देना है। थोड़ी सी देखिए मिट्टी सूख गई है तो आप पानी दे दीजिए। देखिए पौधे लगाने के बाद मैंने यहाँ पे पानी दे दिया और यहाँ पर गमले अभी रखे हुए हैं, फिर मैं इसे धूप में शिफ्ट कर दूंगी। और इस तरीके से आप अपने गार्डन में जो है पौधे को ऐड करें, इस तरीके से कुंदे के प्लांट को रिपोर्टिंग करें। ज़्यादा फूल पाना चाहते हो तो देखिएगा इसकी अपडेट में दिखाऊंगी, बहुत सुंदर तरीके से फूल भी खिलेंगे। छोटे छोटे होते हैं, व्हाइट कलर के बंचिस में आते हैं, खुशबू भी बहुत प्यारी होती है। और यहाँ पर इतने सारे देखिए छोटे छोटे पौध रखे हुए हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।